कैश फॉर क्वेरी मामले में महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द हो गई है। लोकसभा में चर्चा के बाद इस संबंध में प्रस्ताव पारित हुआ है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने महुआ मोइत्रा को एथिक्स कमेटी की सिफारिश पर सदन में बोलने की अनुमति नहीं दी। सदस्यता रद्द होने के बाद विपक्षी सांसद केंद्र सरकार के खिलाफ उग्र हो गए। उन्होंने सत्ता पक्ष के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया दी है। केंद्र सरकार के खिलाफ बोलते हुए तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह भाजपा की प्रतिशोध की राजनीति है। उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है और लोगों को धोखा दिया है। मैंने ऑलरेडी बोल दिया ना, दिस इज वेंडेटा पॉलिटिक्स ऑफ बीजेपी। आई हैव ऑलरेडी मेंशनड, दे किल द डेमोक्रेसी, दे डिच द पीपल विद इन हाफ एन आवर। एवरी पॉलिटिकल पार्टी इज बीन डिस्कस्ड, टू थ्री मिनट्स, एंड नाउ दे हैव टेकन अ डिसीजन, एंड यू लेफ्ट 495 पेजेस, एंड यू डिडंट अलाउ इवन द विक्टिम्स टू टेक हर ओन स्टैंड फॉर हर सेल्फ डिफेंस। This is unfortunate. This is really unfortunate. It cannot be acceptable. It is unacceptable. It is injustice. It is irreparable. And Mova will win the case, win the battle next. And see, the people will give the befitting reply to BJP. I believe so. How you will fight against this decision? Politically, we will fight. And people will fight. People will give the justice. I believe so. They will be defeated in the next election. It is my total conviction. एक तरफ पूरी दुनिया ने देखा रमेश विदुड़ी का किरदार, वहां संसद शर्मसार होता नजर नहीं आ रहा। आज संसद में सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं, कि ऐसा हुआ है, कि क्या है संसद की मर्यादा 21 सितंबर की रात को भंग हुई थी, जब रमेश बिदूड़ी ने वहां जिस तरीके की गाली गलौच की, और अब कह रहे हैं कि संसद की मर्यादा ऐसे भंग हो रही है, क्या बात है। जो भी पासवर्ड वगैरह की बात है पार्लियामेंट के इसके पोर्टल के, तो उसके लिए कोई ऐसा नियम नहीं है कि ये आप किसे दे सकते हैं किसे नहीं दे सकते हैं। जो लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे माननीय सांसद हैं जो सबसे सबको देते हैं, और वहाँ से लोग, क्योंकि देखिए हर मिनिस्ट्री के बारे में हर कोई एक्सपर्ट नहीं होता, और ख़ास तौर पर जिन्हें पढ़ने लिखने का ज़्यादा मौका नहीं मिला, तो वो तो किसी ना किसी को पासवर्ड देते ही हैं, OTP देते ही हैं, और वो कराते हैं। आप सबकी जाँच कीजिए, हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हों जो आप क्यों दुबई या फिर कहीं भी अरब कंट्री में बैठ के वो करा रहे हों। इसकी क्या गारंटी है कि किसी और ने नहीं किया है, सिर्फ उसी ने किया है? तो आप सबकी जांच कीजिए, उसके बाद अगर और लोगों का मिले तो उनके खिलाफ भी एक्शन लीजिए। तो ये कहीं से भी एथिकल नहीं है। एथिक्स कमेटी ने पता नहीं क्या किया और तुरंत उसको इस तरह से सदस्यता रद्द करना, कहीं ना कहीं ये विपक्ष को चुप कराने की ही साजिश है। वो मुखर होकर बोलती थी, तो इसके चलते जितने भी जो लोग भी बोलते थे, चाहे वो राज्यसभा के हों या लोकसभा के, उन्हें एक एक करके खामोश करने का ये जो एक तरीका अपनाया जा रहा है, ये अलोकतांत्रिक है। ये इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हम सभी लोग महुआ मोइत्रा के साथ हैं, और बहुत जल्द चुनाव आने वाला है। वो डबल वोट से जीत कर आएंगी और फिर अपनी आवाज़ को बुलंद रखेगी। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी पार्टी की उनके साथ है। असल में भारतीय जनता पार्टी की मूल समस्या ये है कि वो सशक्त महिलाओं से घबराते हैं, और अगर अडानी की कोई बात कर ले तो सदन में आपके लिए जगह नहीं है। असलियत ये है कि अडानी और मोदी के रिश्तों पर जो जो सवाल उठाएगा उसके खिलाफ हर तरह की मनमानी कार्रवाई की जाएगी। आपको लगता है कि सांसदों को इस मानने की भी कोशिश है कि जो सांसद बोलेगा उसे निष्कासित कर दिया जा सकता है, सस्पेंड कर दिया जा सकता है, इसलिए आप बोलिए मत? आप एक या दो लोगों को डरा सकते हैं, आप पूरे हिंदुस्तान को डरा लीजिएगा। सारा हिंदुस्तान आज बात कर रहा है कि मोदी और अडानी का क्या रिश्ता है। बच्चा बच्चा पूछ रहा है अडानी से आपका क्या संबंध है। बच्चा बच्चा पूछ रहा है आप सिर्फ अडानी के लिए नीति क्यों बनाते हैं। किस किस को चुप कराइएगा? असलियत यह है कि जो लांछन है वो आप पर चिपक चुका है। सब लोग जानते हैं कि अडानी की बेहतरी के लिए, उनकी बढ़ोतरी के लिए, उनके कारोबार के लिए प्रधानमंत्री मोदी 18-18 घंटे काम करते हैं, और अगर उनके मित्र के खिलाफ कोई बोलेगा
तो वो फिर उसकी सजा उसको मिलेगी। क्या आप और इंडिया अलायंस महुआ मोइत्रा के साथ में खड़े हैं? मुझे लगता है कि जहां पर मेरी नेता सशक्त रूप से खड़ी है, अचल अडिग होकर जब सोनिया जी खुद खड़ी हो गई वहां पर, तो ये सवाल भी मेरे लिए बेमाना है। मुझे लगता है जिस तरह से राहुल जी, सोनिया जी, हमारे पार्टी के लीडर्स, हमारे सांसद आज महुआ मोइत्रा के साथ खड़े थे, वो विपक्ष की एक आवाज है और हम गांधी की शरण में जाकर अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ेंगे। आपको बता दें कि एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता खत्म करने की सिफारिश की थी। महुआ मोइत्रा के समर्थन में तमाम विपक्षी सांसद संसद भवन के बाहर आए, जिसमें कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल थी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।